चलो हम आज का मन्ना ग्रहण करेंगे वचन से, वचन पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों 3 और 18 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर के वचनों पर हमें आशीष दे। इस प्रकाशन को हम ग्रहण करेंगे कि हमें प्रभु के स्वरूप में बदलना है। आज का शीर्षक ये है, और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:18 ये पद बताता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी स्वरूप को साझा कर सकते हैं और हम उसको ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सेवकाई के माध्यम से उनके तेजस्वी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। पुरानी वाचा के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो केवल मूसा ही पहाड़ पर चढ़ा और उसने परमेश्वर के साथ संगति की, परंतु नई वाचा के अंतर्गत सभी विश्वासियों को प्रभु के साथ संगति करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यीशु मसीह के द्वारा हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर वचन। दर्पण परमेश्वर के वचन का, दर्पण हमें परमेश्वर के वचन का एक प्रतीक है। जब हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करते हैं और उसमें उनके पुत्र को देखते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें प्रभु के स्वरूप में परिवर्तित होने में सहायता करते हैं। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर से कुछ भी गुप्त ना रखें, उसके साथ स्पष्ट व सत्यवादी और अवारण ढालकर ना रहें। बदलते जाना है, परिवर्तित होना है हमको और उसके समान रूपांतरित होना है। उसी के समान भाव के शब्द हैं, परंतु एक ही अर्थ के ये शब्द हैं। रूपांतरित होना, परिवर्तित होना, रूप बदल जाना, पर प्रभु यीशु के दिव्य रूपांतर के समय में इन शब्दों का उपयोग किया गया। मत्ती 17 और मरकुस 9 में ये ऐसे परिवर्तन का वर्णन करता है जो भीतर से बाहर जाता है। मूसा ने परमेश्वर की महिमा के तेज को प्रकट किया और मैं और आप भी परमेश्वर की महिमा के तेज को प्रकट कर सकते हैं। आप भी उसके रूप को, उसके वचन को, उसके तेज को हम अपने जीवनों से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं और उसमें परमेश्वर के पुत्र को देखते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा हमें परिवर्तित करता है और हम जैसे जैसे हम अंश अंश करके उसके तेजस्वी स्वरूप में विकास करते रहते हैं, अर्थात उतना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो जाते हैं। परिवर्तन की इस अद्भुत प्रक्रिया को व्यवस्था और विधान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्यवस्था विधान की महिमा शक्तिहीन हो गई और परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा हमारे जीवन में निरंतर बढ़ती जा रही है। इस वचन के लिए हमने क्या पढ़ा आज? 2 कुरिन्थियों 3:18 जो हमें पढ़ा, और इसमें हमें इस बात पर मनन करना है कि हमें बदलना है। क्या हम इस बात पर गौर करते हैं या हमारा जीवन जैसा ही पुराना है, ऐसा ही चल रहा है? क्या हम अपने जीवन पे व्यक्तिगत रूप में बदलाव देखते हैं? मुझे बदलना है, तब हम अंश अंश करते, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। तो प्रभु चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, उसने अपने अपने तेज को दिखाया, मैं और आप इस जगत के सामने, वचन कहता है कि मुझे और आपको जगत के छोर तक मसीह के जी उठने के गवाह होने हैं। तो वो जो तेज मेरे और आपके जीवन से निकल रहा है कि नहीं, तो आज का वचन आपको मनन करने के लिए मैं एक विचार देती हूँ कि अपने जीवन को जांचें और पहचानें कि क्या मेरे जीवन से वो तेज निकल रहा है, क्या मैं बदलता जा रहा हूँ, अंश अंश बदलना है।
और हम बदलने जाएंगे, इसीलिए ताकि हम प्रभु के साथ मध्य आकाश में हमें प्रभु पवित्र लोगों के साथ उठा लिया जाने के लिए हमारा जीवन आत्मिक ऐसा हो ताकि हम उठाने के लायक बने और परमेश्वर हमारे जीवन को ग्रहण कर सके। आज का मन्ना आपके लिए है कि हमें प्रभु के स्वरूप में बदलना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को आप दोबारा पढ़िएगा, मनन कीजिए और जानिए कि एकदम से नहीं, वचन कह रहा अंश अंश, कोशिश कोशिश, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हुए जिन बातों पे हम काबू कर सकते हैं, संयम कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, उसको बदले और प्रभु के लिए अपना जीवन जिए, एक गवाह बने ताकि हमारे जीवन से लोगों को तेज दिखाई दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन आपके लिए प्रभु की आशीषों भरा हो और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते जाए, अंश अंश बदलते जाए, आशीष मिले आपको। गॉड ब्लेस यू। आमीन।